गाइस मैं हूं सारसन, मैं मोहम्मद अशरफ, मैं अहमद अब्दुल्ला। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो के जन्म वीडियो का टाइटल है राम जन्म भूमि डिस्प्यूट एंड इन डेप्थ एनालिसिस। भी कोशिश करेंगे कि इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकें, अगर ना हो सका तो उसका दूसरा पार्ट फिर करेंगे। 42 मिनट्स की तकरीबन वीडियो है, तो पहले देखते हैं वीडियो। अगर वन में हो गया तो ठीक, नहीं तो टू पार्ट्स में फिर दूसरा पार्ट भी करेंगे। वीडियो शानदार होने वाली, नीतीश बहुत कमांड है इसको आई थिंक अपने इस पूरे टॉपिक पर। तो देखते हैं वीडियो, फिर देखते हैं इस पर रिएक्शन। 25 निहंग सिंह मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर कोल से राम लिख देते हैं। वहीं लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। 500 मुस्लिम फॉलोवर्स को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी में हमला कर देते हैं। एक गाय की हत्या कर दी जाती है। अयोध्या के शाहजहांपुर विलेज में एक बंदर था, वो भी भगवा झंडा लेके गुंबद पे चढ़ गया था। राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। एक ही टाइम पे जब अजान होती थी उसी टाइम पे शंख बजता था। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो मिट्टी के ऊपर भी पुजारियों ने पूजा की, लेकिन पूजा को रोका नहीं। विवादित ढांचा को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई और ऐसा इसलिए किया गया, उमा भारती ने अपने बाल कटवा लिए ताकि उनको पहचाना ना जा सके। पाकिस्तान क्या करता, वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता। कांग्रेस जो थी वो दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में आग बंद करके बैठी थी। जन्मभूमि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जिसको लेके अगर आज भी लोग बात करते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। इस एक डिस्प्यूट की वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं या फिर एक स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में दंगे हुए और हजारों लोगों की जान गई। और ये एक ऐसा केस था जहां पे भगवान राम खुद अपना केस लड़ते हैं, प्रॉपर उनकी फाइल बनती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखिए, आई एम श्योर कि इस मुद्दे के बारे में आपको जरूर पता होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजेस की जो जजमेंट है उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स है जिसमें आपको एक्चुअल रीजन समझ में आएगा कि क्यों ये लड़ाई 16th सेंचुरी से आज तक चली आ रही है। पूरा ये जो जजमेंट है ये मैंने पढ़ा है और इस पूरी वीडियो में आप मेरे मुंह से एक भी चीज ऐसी नहीं सुनोगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उससे बाहर हो, या फिर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स, न्यूज या फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो रिपोर्ट थी उससे बाहर हो। इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो रीजन है वो बस यही है कि एक बार के लिए हम लोग अपने बायसेस को साइड में रख के फैक्ट के बेसिस में देखें कि आखिर ये सारी चीजें हुई क्यों, इनके पीछे रीजंस क्या थे और सुप्रीम कोर्ट एक्चुअल में क्या कहता है। हम अपने राज में दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो देखिए, ये इंडिया के अंदर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये एरिया है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। पहले इसका नाम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अभी चेंज होकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सरयू नदी से इधर ये वो 2.77 एकड़ का लैंड है और ये जो प्लॉट नंबर है इसका 583 है, जिसको लेके इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट शुरू हुआ और आज की डेट में यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। और अभी आप न्यूज में ये वाला मैप देखते होंगे राम मंदिर के लिए, ये जो पूरा ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो ये 67.7 एकड़ का एरिया है, लेकिन डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये पूरा ग्रीन पार्ट नहीं है। डिस्प्यूटेड एरिया जो है वो ये इधर 2.77 एकड़ का जो एरिया है, इसको प्लॉट नंबर 583 भी कहते हैं, ये यहां पे है। इसके अंदर भी 0.313 एकड़ का जो एरिया है वो एक्चुअल डिस्प्यूट का एरिया है। तो यहां पे ही ये राम मंदिर बन रहा है। अब आप एक क्वेश्चन ये भी कह सकते हो कि 67.77 एकड़ का ये जो ग्रीन पार्ट है यहां पे पूरा क्यों नहीं बनाया गया, इसी इलाके में क्यों बनाया गया। तो देखिए, थोड़ा सा वेट करिए, अभी ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, 500 BC का टाइम था और हिंदू पौराणिक बुक्स जैसे रामायण हो गई, भविष्य पुराण हो गए, इनफैक्ट लोमेश रामायण जो थे उनकी स्क्रिप्ट हो गई, इन सब की डिटेल्स को अगर जोड़ें तो जो अयोध्या था वो किंगडम ऑफ कौसला की कैपिटल थी। तो अब यहां से होता क्या है कि भगवान राम के बेटे महाराजा कुश जो थे वो अपने फादर भगवान राम के जन्म स्थान पे सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनवाते हैं और फिर इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो वंशज थे उन्होंने राज किया इस एरिया में। तो ऐसे कर करके इनकी पीढ़ी से 44 राजा आते हैं जिन्होंने इस एरिया में राज किया और जो आखिरी राजा थे वो थे बृहद बला जिन्होंने अयोध्या पे राज किया। अब इन्हीं के टाइम पे महाभारत स्टार्ट होती है और महाभारत की लड़ाई में बृहद बला जो थे उनको अभिमन्यु मार देते हैं और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद अयोध्या और जो राम मंदिर था उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, टूटने जैसी हो जाती है। अब इसके बाद ईयर 57 AD में उज्जैन के जो सम्राट थे महाराजा विक्रमादित्य ये शिकार के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और जब अयोध्या पहुंचते हैं तो यहां पे संतों से मिलते हैं और जब इनको यहां की हिस्ट्री पता चलती है तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये राम मंदिर और ये जो पूरा अयोध्या शहर था इसको दोबारा से बनवाते हैं। तो इनके टाइम पे राम मंदिर और पूरे अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ और इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके पेज नंबर 673 में भी मेंशन किया गया है। अब यहां तक तो सारी चीजें सही चल रही थी। इसके बाद ईयर आता है 1526 जब बैटल ऑफ पानीपत होती है और मोहम्मद बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी को
बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है। और इसके बाद फिर 20 अप्रैल 1526 में बाबर की एंट्री जो होती है वो भारत के अंदर होती है। अब यहां से चीजें चेंज होती हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये होता था कि अगर कोई रूलर होता था, अगर वो उस एरिया पे अपना कंट्रोल कर लेता था या फिर जीत जाता था, तो वहां जो दूसरे रिलीजन होते थे उनके जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर होते थे उनको हटा के अपने फेथ के रिलीजियस स्ट्रक्चर बनवाता था, अपने साम्राज्य की जो प्रेजेंस है उसकी डोमिनेंस दिखाने के लिए। और इन सारी चीजों के बारे में मुगल्स के टाइम्स पे जो इंस्क्रिप्शंस थे, जैसे तारीख ए अवध बाय मोहम्मद कासिम, अकबर ए मसूद बाय अबद अल कादिर, इनमें मेंशन है। तो बाबर जो था वो इंडिया पे कब्जा करने के 2 साल बाद यानी कि ईयर 1528 में अपने कमांडर मीर बाकी को बुलाता है और अयोध्या के अंदर कोट रामचंद्रा एक गांव था वहां पे 2.77 एकड़ की एक जमीन थी, वहां पे मस्जिद बनवाने को कहता है। और वहां पे पहले से ही राम मंदिर था, उसको तोड़वा के बनवाया गया, उसके बारे में थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर मस्जिद बन जाता है और मस्जिद का जो नाम था वो रखा जाता है बाबरी मस्जिद। ये जो बाबरी मस्जिद बनी थी ये कोट रामचंद्र फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट जिसको अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उसकी सदर तहसील परगाना हवेली अवध में बनी थी। उस टाइम के जो पेंटर्स थे उन्होंने इस मस्जिद की पेंटिंग बनाई थी, रिवर से इस तरीके से दिखती थी वो। इस मस्जिद की जो लोकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से सारा कुछ हुआ है। तो ये जो लोकेशन है इसको मैं मैप पे भी दिखा देता हूँ, ये मैप कोर्ट में यूज हुआ था। ये मैप में ये जो एक्स वाई और जेड लिखा है ये यहाँ पे मस्जिद बनवाई गई थी। ये सीता रसोई और ये राम चबूतरा इसमें क्यों लिखा हुआ है ये सब आएगा अभी आगे। अब जब ये बाबरी मस्जिद उस टाइम पे बनाई गई थी तो जो गाँव के आसपास के जो लोकल लोग थे उन्होंने दबी आवाज में अपनी नाराजगी दिखाई थी कि ये रामलला की जन्मभूमि है, लेकिन उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं था। अब देखिए क्या होता है कि जो मुगल्स थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर और ईयर 1857 तक मुगल्स का जो एरा था वो खत्म होने की कगार पे था। और इस टाइम पे एक चीज हुई थी जो इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 7 अंग्रेज थे जो इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न पार्ट में ट्रैवल करने आए थे और वो अपने ट्रैवल नोट्स बनाते थे। उन ट्रैवल नोट्स में वो अयोध्या के बारे में लिखा करते थे, राम मंदिर और कैसे लोग वहां पे पूजा करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में लिखते थे। विलियम फॉस्टर ने अपनी बुक अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया में इस बारे में मेंशन किया और जजमेंट के भी पेज नंबर 663 में इसके बारे में आपको मिलेगा। ये वो 60 ट्रैवलर्स थे जिन्होंने अयोध्या में ट्रैवल करते टाइम कुछ नोट्स लिखे थे। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप पॉज करके पढ़ लेना, जो ट्रैवल करते टाइम इन्होंने लिखी थी। इसमें जोसेफ टाइफन हेलर और विलियम फिंच का जो ट्रैवल नोट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें कई चीजें लिखी हुई थी कि पहले राम मंदिर था, कैसे वहां पे लोग इन्होंने पूजा करते हुए देखे, ये सारी चीजें उसमें मेंशन थी। ये उस पर्टिकुलर टाइम पे जोसेफ ने मैप बनाया था। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और मंदिर की एग्जिस्टेंस के रिटन प्रूफ की तरह काम करती हैं। अब इधर मुगल्स जो थे वो इंडिया के अंदर वीक हो रहे थे और इसी टाइम पे सवाई जयसिंह जो थे वो भी राम मंदिर को लेकर काफी परेशान थे, उनका भी बहुत लगाव था इस मंदिर से। तो जब मुगल्स वीक हुए और ब्रिटिशर्स का दौर शुरू हो रहा था उस टाइम पे सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने मस्जिद के जस्ट बाहर कुछ एरिया खरीदा और वहां पे एक राम चबूतरा बनवा दिया था ताकि जो हिंदूज हैं वो अंदर तो जा नहीं सकते, एटलीस्ट बाहर से ही वहां पे पूजा कर सके। तो ये जो राम चबूतरा था इस पे हिंदू पूजा करते थे, जो मस्जिद थी उसके सेंट्रल डोम की तरफ मुंह करके। ये ओरिजिनल मैप है, इसमें एक्स वाई जी ये जो एरिया है ये मस्जिद थी और ये इधर ये राम चबूतरा, सीता रसोई, हनुमान द्वार, ये इस पूरे एरिया में हिंदू पूजा करने लगे थे। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो NHOPJKL ये वाली जो लाइन है ये क्या है। ये बाउंड्री एक इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने मजबूरी में बनाई थी, अभी वो इंसिडेंट आएगा आगे। तो अब क्या होता है कि चबूतरा बनने के बाद एक ही जगह पे एक तरफ नमाज अदा हो रही थी और दूसरी तरफ भगवान राम की पूजा हो रही थी। अब इसके बाद मुगल्स जो थे उनका दौर खत्म हो चुका था और ब्रिटिशर्स आ चुके थे इंडिया के अंदर। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया का जो ग्रुप था वो राम मंदिर को लेकर अपनी बात उठाने लगा। वो ये कहने लगे कि ये जो मस्जिद है इसकी जगह पे पहले राम मंदिर हुआ करता था और इसको लेके जो ब्रिटिशर्स थे उनको लोकल जो जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान करने लगी थी। तो ईयर 1838 में ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी मार्टिन जो थे उनको अपॉइंट किया और उनसे कहा कि आप इस एरिया का सर्वे करो और ये बताओ कि पहले यहां पे क्या था और एक रिपोर्ट सबमिट करो इससे रिलेटेड। अब मार्टिन अपना सर्वे पूरा करते हैं और 3 पार्ट में अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें मार्टिन ने बताया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है जिसमें हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे हैं अभी जहां पे मस्जिद है इस पे पहले एक मंदिर था और इन्होंने कहा कि मंदिर तो था लेकिन मस्जिद जो बनाई गई है वो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है या प्लेन एरिया पे बनाई गई है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या उन्होंने यूज करी थी ये आप पॉज करके एक बार पढ़ लेना, जजमेंट के पेज नंबर 669 से 671 में मिल जाएगी आपको। अब ये जो रिपोर्ट आती है इसको सुन के जो लोकल लोग थे वो अपनी आवाज और ज्यादा उठाते हैं, उनका ये कहना था कि रामलला की जन्मभूमि है उसके ऊपर ये बाबरी मस्जिद बनाई गई है। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं और इसके बाद ईयर आता है 1853। राम जन्मभूमि से थोड़ी दूर पे ही हनुमानगढ़ी थी जिसको बैरागी संत संभालते थे जो निर्मोही अखाड़ा से बिलोंग करते थे। तो मार्टिन की रिपोर्ट आने के बाद एक अनरेस्ट था एरिया में। इसके कुछ टाइम बाद हनुमानगढ़ी के जो साधु थे वो कहते हैं कि इस मस्जिद को राम मंदिर तोड़ के बनाया गया है और इस मस्जिद वाले एरिया पे वो लोग कंट्रोल लेने जाते हैं जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है और ये पहली रिकॉर्डेड लड़ाई थी। इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ जाती है और आने वाले 2 साल तक
हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे चलते हैं। अब इसके दो साल बाद ईयर 1855 में एक सुन्नी क्लेरिक गुलाम हुसैन कहते हैं, ये जो हनुमानगढ़ी है यहाँ पे पहले मस्जिद थी और ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है। और वो करीब 500 मुस्लिम फॉलोवर्स को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी में हमला कर देते हैं। लेकिन वहां पे पहले से ही 8000 बैरागी संत जो थे वो पहुंचे हुए थे। काफी लड़ाई होती है और इसमें मुस्लिम पक्ष जो था उसको काफी नुकसान होता है और 75 मुस्लिम्स की जान चली जाती है। इसके बारे में सर्वपल्ली गोपाल की बुक एनाटॉमी ऑफ अ कॉन्फ्रंटेशन उसमें इसके बारे में मेंशन है और जजमेंट के पेज नंबर 675 में भी इसके बारे में मेंशन है। तो इन दंगों की वजह से काफी अनरेस्ट हो गया था और ब्रिटिशर्स जो थे वो भी इन सारी चीजों से बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो विवादित लैंड था इसको हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बांट दिया। अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि इससे चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ईयर 1857 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि ये जो विवादित एरिया था इसको डिवाइड करने के लिए ग्रिल और विक्स का यूज करके 6 से 7 फीट की एक वॉल बना देते हैं। ये जो मैप के अंदर NHOPJKL वाली लाइन आप देख रहे हैं ये वॉल ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। अब इसके बाद आउटर पोर्शन जो था उसमें हिंदू पूजा करने लगे थे और इनर पोर्शन जो था उसमें मुस्लिम जो थे वो नमाज पढ़ने लगे थे। इस डिवीजन से कोई खुश नहीं था, ना तो हिंदू खुश थे ना मुस्लिम, लेकिन उस टाइम पे लोगों को ब्रिटिशर्स की माननी पड़ती थी तो वो लोग मान के ऐसा करते हैं। अब इसके बाद डेट आती है 28th of November 1858। इस दिन क्या होता है कि पंजाब के रहने वाले महंत निहंग सिंह फकीर अपने साथ 25 और निहंग सिंह को लेके डिस्प्यूटेड लैंड यानी राम जन्मभूमि पे पहुंचते हैं। वहां पहुंच के डायरेक्ट मस्जिद में जाते हैं और मस्जिद के अंदर ही हवन और पूजा करने लगते हैं। और जब ये पूजा कर रहे होते हैं 25 निहंग सिंह मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर कोल से राम लिख देते हैं और गुरु नानक जी की भी पूजा करते हैं और जो राम चबूतरा था उसकी हाइट बढ़ा देते हैं, वहां पे भगवान राम की फोटो लगा देते हैं और हवन और पूजा करने के लिए एरिया बढ़ा देते हैं। ये चीज मस्जिद के जो मुअज्जिन थे सैयद मोहम्मद खातिब उस एरिया के थानेदार शीतल दुबे को एक रिटन कंप्लेंट करके बताते हैं कि ये सारी चीजें चल रही हैं। ये उस कंप्लेंट की ओरिजिनल कॉपी है, एग्जैक्ट ये एप्लीकेशन लिखी गई थी। इसके बाद जो अथॉरिटी होती है वो वहां पे पहुंचती है, निहंग सिंह जो थे उनको वहां से बाहर निकाल देती है, बीच बचाव करती है, लेकिन जो कन्फ्लिक्ट था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक ही टाइम पे जब अजान होती थी उसी टाइम पे शंख बजता था जिससे डे बाय डे टेंशन बढ़ती जा रही थी और बैक टू बैक कंप्लेंट्स फाइल होनी थी दोनों तरफ से। इसके बाद ईयर आता है 1877। इसमें हिंदू कहते हैं कि जो आउटर पोर्शन है ये तो हमारा है, हम चाहते हैं कि जो सिंह द्वार है इसको खोल दिया जाए। अभी जो एक तरफ से एंट्री होती है इसकी वजह से दिक्कत होती है तो दो तरफ से एंट्री होगी, तो अथॉरिटी जो थी वो ये बात मान जाती है। तो अब ये जो विवादित एरिया है यहाँ की जो एंट्री है वो दो तरफ से होने लगी। अब इसके 6 साल तक चीजें कंट्रोल में रहती हैं, लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1983। अब जो राम चबूतरा था उसके जो पुजारी थे महंत रघुवर दास वो परमिशन मांगते हैं कि ये जो राम चबूतरा है इसका मैं महंत हूँ और यहाँ मैं इतने टाइम से पूजा कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 17x21 feet का एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। लेकिन 19th of January 1885 को डेप्यूटी कमिश्नर जो थे इस चीज़ को भी रोक देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस चीज़ से भी दंगे भड़क सकते हैं तो इस चीज़ को भी अलाउ नहीं किया जाता। लेकिन महंत का कहना था कि जो आउटर पोर्शन है ये तो हमारा, आपने हमें ही दे दिया है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराने में क्या दिक्कत है। अब इस चीज़ से गुस्सा होके इसके 5 दिन बाद 7th of January 1885 को महंत रघुवर दास जो राम चबूतरा के पुजारी थे वो कोर्ट में केस कर देते हैं। लेकिन 18 मार्च 1886 को डिस्ट्रिक्ट जज होते इस अपील को डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको वैसे ही बने रहने दीजिए वरना अशांति हो जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर से 1 नवंबर को अपील करते हैं, लेकिन इस बार कोर्ट कहता है कि जो महंत रघुवर दास हैं इनकी कोई ओनरशिप नहीं है इसके ऊपर, ये पूजा करते हैं लेकिन इनका कोई हक नहीं है उस पे, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। अब इधर ये सारी छोटी छोटी चीजें चल रही थी, लेकिन इसके बाद डेट आती है 27th of March 1934। इस पर्टिकुलर टाइम पे एक गाय की हत्या कर दी जाती है अयोध्या के शाहजहांपुर विलेज में। बहुत ज़्यादा दंगे होते हैं, ये छोटे लेवल पे नहीं बहुत बड़े लेवल पे दंगे होते हैं। इसमें लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मस्जिद के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस अटैक की वजह से मस्जिद की जो वॉल थी वो तोड़ देते हैं लोग और जो डोम था उसको डैमेज कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट जो थी इसको दोबारा से सही करवा देती है। अब ये जो इंसिडेंट हुआ था इसके बाद मुस्लिम जो थे वो भी सिक्योर फील नहीं कर रहे थे। और दूसरी चीज, मुस्लिम्स का मानना था कि वहीं पे पूजा हो रही है, उसी जगह पे लोग जाके नमाज पढ़ रहे हैं, तो शरीयत के अगेंस्ट में ये चीज जाती है कि इस तरीके से नमाज करना सही नहीं है। तो मुस्लिम जो थे वो वहां पे नमाज करने को अवॉइड करते हैं, लेकिन आउटर पोर्शन जो था जो हिंदुओं को मिला हुआ था वहां पे प्रॉपर पूजा होती थी, भजन होता था, सारी चीजें होती थी। अब इसके बाद ईयर आता है 1947, हमारा देश आजाद हो जाता है और इसके 2 साल बाद दिसंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा, ये अपने जो हिंदू वाला एरिया था जो आउटर पोर्शन था यहाँ पे 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं। और जब ये पाठ खत्म होने वाला होता है तो रात होती है 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख देते हैं और अगले दिन सुबह यानी कि 23rd of December 1949 को
बहुत सारे हिंदुओं की लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रामलला प्रकट हुए हैं। लेकिन मुस्लिम जब ये सारी चीजें देखते हैं तो 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड FIR रजिस्टर कर देता है। यहाँ से मुस्लिम्स की तरफ से कोई इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं कर रहा था या फिर केस में नहीं जा रहा था, बल्कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो था वही लड़ाई लड़ता है। तो ये लोग कंप्लेन में कहते हैं कि ये जो हिंदू पक्ष है ये झूठ बोल रहा है, रामलला प्रकट नहीं हुए बल्कि इन लोगों ने खुद ही मूर्ति रख दी है ताकि उस एरिया का यानी जो मस्जिद का जो सेंट्रल डोम है वहां पे पोजीशन पाने के लिए। अब दोबारा से दंगों जैसी सिचुएशन हो जाती है। रामलला की जो मूर्ति थी उसके दर्शन करने दूर दूर से लोग आ रहे थे और जो रूल्स वगैरह थे जो बनाए गए थे वो कोई से भी फॉलो नहीं हो रहे थे। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि सिचुएशन खराब ना हो तो जो मस्जिद वाला पार्ट था जो इनर पोर्शन था उसको लॉक कर देती है और हिंदू जो थे वो आउटर वाले पोर्शन से दर्शन कर रहे थे और परेशान भी हो रहे थे कि रामलला को जेल में बंद कर दिया। अब इसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और PM जवाहरलाल नेहरू, यूपी के CM गोविंद वल्लभ पंत और यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं कि जो मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति है इसको हटवा दीजिए। और यूपी के चीफ मिनिस्टर वैसा ही करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं मूर्ति को हटवाने का। लेकिन उस टाइम के फैजाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर जो थे KK नायर, वो मना कर देते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि आग से खेलने जैसा होगा, चारों तरफ भीड़ है और कोई भी आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा कि मूर्ति को उठा के बाहर कर दे। लोग उसको पापी कहेंगे, अटैक भी हो सकता है उसके ऊपर, तो ये कोई सही डिसीजन नहीं है। इससे पूरे शहर में दंगे भी स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन जब उसके बाद भी प्रेशर बनाया जाता है तो KK नायर कहते हैं कि मुझे जॉब ही नहीं करनी है, वो रिजाइन मार देते हैं। तो ये सारी चीजें लेटर के थ्रू डिस्कस हो रही थी और मल्टीपल डिस्कशन के बाद सरकार जो थी वो सिचुएशन को भांप लेती है और वो ये डिसाइड करती है कि मूर्ति को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन दोनों साइड नाराज ना हो जाए तो इसके लिए 5th of January 1950 को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवाती है कि इस पूरे एरिया को अब आम जनता के लिए लॉक कर दिया जाए, इनर और आउटर सारे पोर्शंस को बंद कर दिया जाए। और इसमें बस एक चीज की जाती है कि जो पुजारी थे उनको सिर्फ अलाउ किया जाता है कि जो आउटर पोर्शन में राम चबूतरा था वहां पे रामलला की पूजा और भोग लगाने के लिए वो अलाउ कर देती है और जो आम जनता रहती है वो दूर से दर्शन कर सकती है। और इसके बाद ये डिसाइड होता है कि इनर पोर्शन किसका है, आउटर पोर्शन किसका है, किसकी गलती है, मालिकाना हक किसका है, ये सारी चीजें अब कोर्ट से डिसाइड होंगी। और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। अब ये सारी चीजें देख के 16th of January 1950 को गोपाल सिंह मिश्र फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मैं पूजा करना चाह रहा हूं और मुझे पूजा नहीं करने दी जा रही है, वो भी उस पोर्शन में जो ऑलरेडी हम लोगों का। इसी के साथ साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था वो भी एक अलग से केस फाइल कर देता है। तो ये सारी चीजें देख के कोर्ट इन सब चीजों को सीरियसली लेता है और एक ऑर्डर देता है कि जो पूरा विवादित एरिया है इसका एक ऑफिशियल मैप रेडी किया जाए। ये ऑर्डर 1st of April 1950 को दिया जाता है और 25th of June 1950 को लोकल कमिश्नर जो था इस पूरे एरिया के दो साइट प्लान सबमिट करता है, एक तो ये मैप और दूसरा ये बिल्डिंग के साथ विद लोकेलिटी ये मैप देते हैं। अब जब ये डिसाइड होता है कि इसका सारा का सारा फैसला जो है वो कोर्ट से डिसाइड होगा तो बैक टू बैक केस डाले जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि हमें अंदर जाके रामलला की पूजा करने दी जाए और मुस्लिम पक्ष जो था वो ये कहता है कि जो मूर्ति है इसको मस्जिद से बाहर निकाला जाए। कोर्ट के अंदर ये जो मस्जिद वाला एरिया था उसको विवादित ढांचा बोला गया और जो बाकी पूरा का पूरा लैंड था उसको विवादित एरिया बोला गया। मुस्लिम्स की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो केस लड़ रहा था। उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है ये बाबर ने बनाई थी, बाबर एक सुन्नी था और उस हिसाब से जो जमीन है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। अभी जितने भी लोग केसेस कर रहे थे ये सारे केसेस इकट्ठे करके हाई कोर्ट में एक साथ ट्रांसफर कर दिए जाते। लेकिन डिले बहुत हो रहा था इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि फैसला आना ही अपने आप में हार्मोनी खराब कर देता था पूरे शहर की। अब जो हिंदू संगठन थे जैसे VHP, RSS, वो इन सारी चीजों से खुश नहीं थे, उनको लगा कि ऐसे तो कभी जमीन मिलेगी ही नहीं, तो ये लोग इसके लिए अलग अलग टीम बना के काम स्टार्ट कर देते हैं। अब इसी बीच में ईयर 1980 में जो जनता पार्टी थी वो डिसॉल्व होकर एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम था BJP। अब इसके बाद अप्रैल 1984 में VHP एक कैंपेन स्टार्ट करती है ताकि ऑल ओवर इंडिया से ये राम मंदिर बनाने की जो मुहिम है ये बहुत तेज हो जाए। तो VHP जो वो इंडिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा निकालने का प्लान बनाती है ताकि पूरे देश का सपोर्ट मिले और इसमें भी ये प्लान था कि ये लोग स्पीचेस देंगे जगह जगह जाके और इस पूरे मुद्दे को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने। तो इनका प्लान जो था वो सितंबर 1984 में रथ यात्रा करने का था, लेकिन इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है और देश का जो माहौल था वो काफी खराब हो जाता है तो ये जो यात्रा थी वो रोक दी जाती है। इसी बीच इलेक्शन होते हैं और पहली बार BJP इलेक्शन में खड़ी होती है। इनफैक्ट BJP का जो पहला मैनिफेस्टो था उसमें राम मंदिर के बारे में नहीं था। तो इलेक्शन होता और पहली बार BJP खड़ी हुई थी इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती है, सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं इनको और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 1985 में VHP इंडिया के अंदर 25 जगह पे दोबारा से रथ यात्रा स्टार्ट करती है और जगह जगह से लोगों का भारी सपोर्ट मिलता है BJP को, जिसको देख के हर कोई सरप्राइज हो जाता है। और यही वो टाइम था जब लाल कृष्ण आडवाणी ने BJP को राम मंदिर के मुद्दे से जोड़ा। तो अब राम मंदिर बनवाने के लिए RSS, BJP, VHP
एक साथ सामने आ रहे थे और लोगों का भारी सपोर्ट मिल रहा था। और सेम ईयर 1985 में कांग्रेस भी फंसती है जब शाह बानू केस का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आता है। उस फैसले से कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स जो थे वो बहुत गुस्से में थे। ये गुस्सा इतना ज्यादा था कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे वो संभाल नहीं पा रहे थे इसको। तो उन्होंने क्या किया कि एक कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था शाह बानू केस के लिए उसको पलट दिया था। अब जैसे ये हुआ तो राजीव गांधी के ऊपर एलिगेशन लगे कि ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरा जो हिंदू बेल्ट था अब उसमें बीजेपी और वीएचपी की बातें ज्यादा हो रही थी। इसके साथ साथ 25th of January 1986 को लॉयर उमेश चंद पांडे जो थे इन्होंने अपील कर दी थी कि रामलला की जो पूजा करने के लिए हिंदुओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको हटा दिया जाए। तो इसको लेके लोगों में भी बहुत हल्ला होने लगता है, गवर्नमेंट भी प्रेशर में आती है। तो ये सारी चीजें जो हो रही थी इसी बीच में अचानक से हाई कोर्ट के जज ऑर्डर दे देते हैं कि हिंदुओं के दर्शन के लिए रामलला के जो गेट है उसको खोल दिया जाए। अब ये जो फैसला है ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस फैसले को लेके बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है क्योंकि जिस तरीके से इसको लागू किया गया था राजीव गांधी के ऊपर सवाल उठने लगे थे कि आने वाले इलेक्शन में हिंदू वोट बैंक को दोबारा से अपनी तरफ करने के लिए ये कदम उठाया गया। क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था उसी के 40 मिनट के अंदर ये ताला खोल दिया गया था। और ये जो ताला खोला गया था इस पूरे प्रोसेस को लाइव टीवी पे टेलीकास्ट कराया गया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोर्ट को अश्योर किया था कि अगर ताला खोला जाता है तो कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी। जबकि जब ताला लगाया गया था तो यही हवाला दिया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए ताला लगाना जरूरी है। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे बातें चेंज हो गई थी। इस पूरे केस के अंदर जो जल्दबाजी हुई उससे जो इनकी इंटेंशन थी उसके ऊपर डाउट आया क्योंकि एक नॉर्मल कोर्ट प्रोसीजर की तरह नहीं चल रहा था। राजीव गांधी पे ब्लेम आया कि उन्होंने ये शाह बानो केस के डैमेज कंट्रोल करने के लिए और हिंदू अपीजमेंट के लिए किया है। तो इससे जो राजीव गांधी थे वो दोनों तरफ से फंसे थे। और जब ताला खोला जाता है तो उसके बाद जो हिंदू ग्रुप्स थे वो फिर से राम मंदिर को बनाने की मांग को तेज कर देते हैं। और ये सारी चीजें देख के मुस्लिम्स ने भी बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी बनाई जिसका काम इस मामले से डील करने की प्लानिंग बना के आगे बढ़ने का था क्योंकि इस मुद्दे ने पूरी तरीके से पॉलिटिकल एंगल ले लिया था। लेकिन बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी जो थी वो कोई कोर्ट में जाके प्रेजेंट नहीं होती थी। मुस्लिम्स की तरफ से कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वही एक पार्टी थी। वहीं अपोजिट पार्टी थी निर्मोही अखाड़ा जो राम चबूतरे के ऊपर पुजारी पूजा करते थे। और तीसरी पार्टी 1989 में खुद रामलला बनते हैं। एक्चुअली इंडिया में लॉ है कि अगर मंदिर वगैरह का कोई इशू होता है तो उसमें देवी देवता जो होते हैं वो भी केस लड़ सकते हैं अपने हक के लिए। और सारी कागजी कार्रवाई वगैरह जो होती है वो उनके बिहाफ पे उनका कोई भक्त कर सकता है। तो ईयर 1989 में देवकी नंदन अग्रवाल जो कि फॉर्मर जज भी थे और वीएचपी के लीडर भी थे वो रामलला की तरफ से सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं। और इनकी डेथ के बाद त्रिलोकीनाथ पांडे केस लड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसको लेके केसेस तो बहुत फाइल हुए लेकिन मेन जो पार्टी थी वो तीन थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला खुद जिनका नाम कोर्ट में रामलला विराजमान के नाम से लिया जाएगा। अब ताला खुलने के बाद ईयर 1989 फरवरी में कुंभ का मेला था और इसमें ऐलान कर दिया गया था कि बहुत हो गया, अब 9 महीने बाद 9th of November 1989 को शिलान्यास होगा। मतलब कि एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रख दिया जाएगा विवादित एरिया पे। ये एक तरह से सिंबॉलिक एक्ट की तरह माना जाता है जिसका मतलब है कि यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो ये जो चीज थी वो गांव-गांव में वीएचपी ने प्रमोट की, लोगों ने शिला पूजन किया जिसमें लोग ईंट पे राम लिख के अयोध्या ले जाने लगे कि इन ईंटों का यूज करके मंदिर बनेगा। और 3.5 लाख से भी ज्यादा शिलाएं जो थी वो इकट्ठा करके अयोध्या लाई गई थी। लेकिन ये जो इवेंट इन्होंने प्लान किया था शिलान्यास का इसमें कोई दिक्कत ना आए, कोई रुकावट ना आए, इसके लिए वीएचपी के लीडर्स ने 17th of October 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह से अश्योरेंस ले ली थी। उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि कोई दिक्कत नहीं होगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो भी इसमें कोई आनाकानी नहीं करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता। लेकिन ये जो इवेंट था इसमें दंगे होने की बहुत ज्यादा चांसेस थे क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और उधर से मुस्लिम्स भी अगर आ जाते तो लड़ाई होने के चांसेस थे। लेकिन 9th of November 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह और यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी इनकी मौजूदगी में शिलान्यास कर दिया जाता है और कोई दंगे नहीं होते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एक एक स्टेप करके वीएचपी और आरएसएस जो थी मंदिर बनाने के लिए वो आगे बढ़ा रही थी। और इलेक्शन आने वाले थे तो ये सारी चीजें देख के बीजेपी भी इसमें कूदती है। नवंबर 1989 को लाल कृष्ण आडवाणी जो थे इन्होंने भी रथ यात्रा का अनाउंसमेंट कर दिया था। और ये जो यात्रा थी वो वीएचपी के जो रथ यात्रा थी उससे अलग अनाउंस की गई थी। इस रथ यात्रा को सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ टेंपल से स्टार्ट किया जाता है। और ये जो पूरी रथ यात्रा थी इसका पूरा अरेंजमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई थी। चुनाव प्रवेश से इस रथ यात्रा को अलग अलग रीजन से होके 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचना था। जब ये यात्रा शुरू होती है तो पूरे इंडिया में हल्ला होता है और बीजेपी पार्टी इस वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। इस यात्रा की वजह से पूरे इंडिया में राम मंदिर का मुद्दा उठ गया था और कई जगह पे दंगे भी होने लगे थे, स्पेशली वहां पे जहां पे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का जो बैलेंस था वो बराबर नहीं था।
था। अब ये जो रथ यात्रा थी ये कुछ दिन बाद 22 अक्टूबर 1990 को बिहार पहुंचती है। जैसे ही अडवाणी बिहार पहुंचते हैं तो 22 अक्टूबर 1990 को रात 3 बजे बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण अडवाणी को गिरफ्तार करवा देते हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि इससे देश में दंगे हो रहे हैं और बिहार का भी माहौल खराब होगा, तो इस यात्रा को यहीं पर रोक दिया जाता है। मैं श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। बीजेपी जो 1984 में 2 सीटें जीती थी, लाल कृष्ण अडवाणी का इस राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ने का जो फैसला था वो काम आया और 1989 के इलेक्शन में बीजेपी सीधे 85 सीट जीत जाती है। यूपी, राजस्थान, एमपी, हिमाचल प्रदेश, बीजेपी गवर्नमेंट बनती है इन स्टेट्स में। और इसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी बीजेपी के अंदर भी और पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा नाम बन गया था और राम मंदिर को बनवाना बीजेपी के मैनिफेस्टो तक में ऐड कर दिया गया था। अब इस यात्रा को बिहार में रोक तो दिया जाता था, लेकिन इस यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहुंच के, जहां पे रामलला विराजमान थे, वहां पे पहुंच के कंप्लीट होना था। तो जब लाल कृष्ण अडवाणी की यात्रा बिहार में रुक जाती है तो जो बाकी के कर सेवक होते हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं। देखिए, कर सेवक वो होते हैं जो कर सेवा करते हैं, मतलब कि बिना स्वार्थ के अपने रिलीजन के लिए काम करना, सेवा करना। तो कर सेवक कहते हैं कि भले ही यात्रा बिहार में रोक दी गई है लेकिन वो अयोध्या जाएंगे और वहां जाके कर सेवा करेंगे। लेकिन इस पे मुलायम सिंह जी ने कहा कि वो जो विवादित एरिया है वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर कोई आएगा तो अच्छा नहीं होगा। इसको जो कर सेवक थे उसको एज अ चैलेंज की तरह लिया और 30 अक्टूबर को कर सेवक जो थे वो अयोध्या का जो विवादित एरिया था वहां पहुंचते हैं। वहां उनको पुलिस रोक देती है। तो कर सेवक जो थे उसमें एक साधु था जो पहले ड्राइवर था, तो वो साइड से पुलिस की बस को उठा के उसमें कर सेवक को भर के विवादित एरिया जो था वहां पहुंच जाता है और एक भगवा झंडा बाबरी मस्जिद पे लगाने की कोशिश करता है। लेकिन मुलायम सिंह के ऑर्डर पे जो कर सेवक थे उनके ऊपर पुलिस फायरिंग कर देती है जिससे 30 से ज्यादा कर सेवकों की जान चली जाती है। अच्छा, जब ये सारी चीजें हुई थी तो एक कोइंसिडेंस भी हुआ था। एक बंदर था, वो भी भगवा झंडा लेके गुंबद पे चढ़ गया था, तो उसको भी कर सेवक ने भगवान हनुमान का रूप माना। अब इसके बाद ईयर आता 1991 और बीजेपी काफी स्ट्रांग हो गई थी। पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी के बारे में बात हो रही थी और यूपी के अंदर भी बीजेपी जीत जाती है। 24 जून 1991 को पहली बार बीजेपी की यूपी के अंदर सरकार बनती है और बीजेपी से कल्याण सिंह यूपी के सीएम बनते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहां पे कांग्रेस ही जीत के आई थी, तो वहां पे पीवी नरसिम्हा राव वो पीएम बने थे। बीजेपी को 3 सीट्स मिली थी जिससे हर कोई हैरान था और इसके बाद राम मंदिर की इंपॉर्टेंस नेता लोगों को भी समझ में आने लगी थी। कल्याण सिंह सीएम बनते ही अयोध्या जाके शपथ लेते हैं और बोलते हैं रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, और ये नारा काफी फेमस भी होता है। और कुछ दिन बाद 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 4, 6 और 17 के अंडर वो विवादित एरिया जो था और उसके आसपास का जो एरिया था वो अपने पास यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ले लेते हैं। इस एक्ट में ये था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए लैंड अक्वायर कर सकती है। तो कल्याण सिंह ने यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले तो एरिया अपने अंडर में लिया, फिर एक ट्रस्ट था राम जन्मभूमि न्यास, ये वीएचपी का ही ट्रस्ट था जिसका ऑब्जेक्टिव था राम जन्मभूमि को बनाना। तो इस ट्रस्ट को 1 रुपए की लीज में ये पूरी जमीन दे दी जाती है और ऐसा बोला गया कि इस एरिया में श्री राम कथा पार्क बनाया जाएगा टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके तुरंत बाद मुस्लिम ग्रुप जो थे वो कोर्ट पहुंच जाते हैं कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसके बाद हाई कोर्ट जो थी इस फैसले के ऊपर स्टे लगा देती है और ये जो जमीन वगैरह लीज पे दी गई थी ट्रस्ट को उस पे होल्ड लग जाता है। और इसमें कोर्ट एक चीज और करता है कि इस जमीन के ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होगा, मतलब एक छोटा सा भी कंस्ट्रक्शन इस विवादित एरिया के ऊपर कोई नहीं बनवा सकता, क्योंकि दोनों ग्रुप्स की तरफ से अलग अलग ट्रिक्स खेल के पोजेशन लेने की कोशिश की जा रही थी। ये लोग पैसा लगा लगा के आसपास के जो लैंड थे, जो विवादित एरिया था उसके आसपास का जो लैंड था वो सब भी खरीद रहे थे और इसके लिए बहुत सारे लोग फंड और डोनेशन भी दे रहे थे। अब इसके बाद ईयर शुरू होता है 1992 और कल्याण सिंह यानी कि बीजेपी की सरकार थी। जनवरी 1992 को पहली चीज ये होती है कि जो विवादित एरिया था उसके आसपास बैरियर लगाए हुए थे तो उन बैरियर्स को हटा दिया जाता है। इससे पहले किसी का भी उस एरिया में बिना परमिशन के आना उतना आसान नहीं था, लेकिन जब ये बैरियर हट जाते हैं तो वहां आना जाना और पॉसिबल हो जाता है। तो ईयर के स्टार्टिंग में इन बैरियर्स को हटा दिया जाता है और फेब के मंथ में RSS, BJP, VHP और बजरंग दल एक मीटिंग करते हैं। अभी जो मीटिंग थी इसको लेके कई चीजें बोली गई। फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हेड थे मलॉय कृष्णधर, इन्होंने क्लेम किया कि इस मीटिंग में 6 दिसंबर 1992 यानी कि कुछ महीने बाद विवादित ढांचा को गिराने की पूरी प्लानिंग की गई और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोर्ट में केस स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर उस जमीन में मस्जिद रहेगी तो जो कोर्ट है वो इनके हक में फैसला नहीं दे पाएगा। तो ये जो आईबी ऑफिसर थे मलॉय कृष्णधर, इन्होंने क्लेम किया कि इनकी सिक्योरिटी लगी हुई थी। इन्होंने मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी की और अपने सीनियर को भी दी, लेकिन कुछ उससे हुआ नहीं। इसमें मलॉय धर ने कांग्रेस के जो नरसिम्हा राव थे उनको भी ब्लेम किया कि कांग्रेस जो थी वो दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में आग बंद करके बैठी थी। ये सारे जो एलिगेशन इन्होंने लगाए हैं इनकी बुक ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस
इसमें है। और इसके बाद कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन भी हुए थे जिसमें बोला गया था कि 10 महीने पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। यूट्यूब पे अभी वीडियो पड़ी है। अब इसके बाद चीजें थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस होती जाती हैं। 24th of March 1992 को कल्याण सिंह यूपी के सीएम बिना डरे पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे राम मंदिर बनना चाहिए। अब इस पूरे सिनेरियो में दिक्कत ये थी कि जो हिंदू ग्रुप्स थे उनका कहना था कि ये जो एरिया है उसमें वहां पे उनको कंस्ट्रक्शन करके पूजा तो करने दी जाए, लेकिन कोर्ट से ऑर्डर ही नहीं थे, वहां पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो सकता था। 7th ऑफ जुलाई 1992 को पहली बार पब्लिकली लोगों तक वीएचपी ने अपनी बात पहुंचाई और इनडायरेक्टली कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता तो विवादित ढांचा गिराया तो जा सकता है, उस पे तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। ये सब सुन के अयोध्या और पूरे इंडिया में एक टेंशन सी बढ़ गई थी क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। 24th of September 1992 को वीएचपी कहती है कि ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, आपके पास 3 महीने का टाइम है, गवर्नमेंट कुछ भी करके हमें कंस्ट्रक्शन करने दे, और अगर नहीं करने दिया गया तो हम वेट नहीं करेंगे, हम आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अब ये 3 महीने भी निकल जाते हैं, गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती है, जो नेगोशिएशन चल रहे थे वो भी कोलैप्स हो जाते हैं। तो 30 अक्टूबर को धर्म संसद की मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर। धर्म संसद में अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाती थी राम मंदिर को बनाने के लिए। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 6th ऑफ दिसंबर 1992 को कर सेवा की जाएगी अयोध्या के अंदर। अब कर सेवा की जाएगी वहां पे, इसका मतलब ये था कि वहां जाके राम चबूतरा से थोड़ी दूर पर एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके जाएंगे और भजन और कीर्तन होगा। लेकिन कई सारे लोगों को यह डर था कि वहां पे जाके ये जो विवादित ढांचा है उसको गिराने की प्लानिंग हो रही है। और इस मीटिंग के बाद पूरे देश में एक टेंशन का माहौल था कि 6th ऑफ दिसंबर 1992 को क्या होगा। फिर आगे चल के जो कर सेवा का प्रोग्राम था इसको रोकने की बात की गई, तो कल्याण सिंह यूपी के सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी और यूपी विधानसभा में गारंटी ली कि खाली कर सेवा होगी और मस्जिद को कुछ नहीं होगा। और उन्होंने ये भी चीज ऐड करी कि ऐसे टाइम पे अगर हम कर सेवा को रोकेंगे तो दंगे और उल्टा भड़क जाएंगे। अब ये सारी चीजें करने के बाद कल्याण सिंह ने क्या किया, उन्होंने राइटिंग में सिक्योरिटी को बोला कि किसी भी सिचुएशन में कर सेवक के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए। प्रकाश सिंह जो डीजीपी थे उन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसर्स लगा रही थी मंदिर के आसपास जो उनके हिसाब से चले। सरकार का यह प्रयास था अयोध्या और उसके आसपास ऐसे अधिकारी लगे जो उनके कहने के अनुसार चल सके। अब 1st ऑफ दिसंबर 1992 से ही पूरे देश से कर सेवक अयोध्या पहुंचने लगे थे। 1.5 लाख से भी ज्यादा कर सेवक पहुंच गए थे और पूरी अयोध्या जो थी वो एक छावनी की तरह बदल गई थी। और एक दिन पहले यानी कि 5th ऑफ दिसंबर 1992 को जो भीड़ थी, स्टेज वगैरह बना दिया गया था, उसमें नेता लोग आके भाषण दे रहे थे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उन्होंने भाषण में कहा कि विवादित एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता लेकिन वहां पे बैठने के लिए उसको समतल तो किया जा सकता है। वाल्मीकि के पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा, यज्ञ का आयोजन होगा। ऐसे ही लाल कृष्ण आडवाणी भी बोलते हैं कि बलिदान देना होगा, सरकार की कुर्बानी अगर देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल सबके नेता पहुंच गए थे, लेकिन कुछ नेता जिनकी दिक्कत लग रही थी, जिनका लग रहा था कि इनके भाषण भड़काऊ हो सकते हैं, उनको अलाउ नहीं किया गया था, उनको रोका गया था। जैसे उमा भारती, तो उमा भारती ने अपने बाल कटवा लिए ताकि उनको पहचाना ना जा सके और वो भी अंदर जा सके। ये प्लान उनका सक्सेसफुल हुआ क्योंकि सच में सिक्योरिटी को शुरू में पता नहीं चल पाता है और वो पंडाल में पहुंच जाती है। अब डेट आती है 6th ऑफ दिसंबर 1992 की। एक तरफ साइड में जो पंडाल लगे हुए थे, स्टेज लगे हुए थे, वहां पे नेताओं के भाषण चल रहे थे, कर सेवक भी जो थे वो चुपचाप अपना भजन कीर्तन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 11:30 बजते हैं तो जितने भी कर सेवक थे वो विवादित ढांचा जो था उसकी तरफ पहुंचने लगते हैं। फिर 1:55 होते होते पता चलता है कि जो विवादित ढांचा था उसका एक पार्ट गिरा दिया जाता है। फिर 3:30 होते होते दूसरा पार्ट गिरा दिया जाता है। और फिर 4:49 PM पे एक ह्यूमन चेन बना के लकड़ी का एक पोल लिया और उससे विवादित ढांचा को गिरा दिया और रामलला की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति और हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो गर्भगृह जो था वहां पे रख दी और टेंट से मंदिर बना दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद करीब 6 बजे यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और 6:15 पे यूपी के सीएम, जिन्होंने गारंटी ली थी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो रिजाइन कर देते हैं। और जो लोकल पुलिस थी वो खुद एफआईआर करती है, 2 FIR की जाती हैं, एक लीडर के खिलाफ और एक जो एक पूरी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी उसके खिलाफ। अब ये इंसिडेंट तो हो जाता है लेकिन इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश में दंगे होते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, यूपी के स्टेट, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में दंगे होते हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और खरबों रुपए की संपत्ति जो है वो बर्बाद हो जाती है। इंडिया के बाहर भी ये बात पहुंचती है और पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता है।
बांग्लादेश के अंदर 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और गल्फ कंट्रीज जो थी वो भी विरोध करने लगती हैं और इस मुद्दे को यूएन में ले जाने की बात होती है। इस इंसिडेंट के बाद जो केस चल रहा था राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेके, अब उसके साथ एक केस जो क्रिमिनल एक्टिविटी का था वो भी जुड़ गया था, तो टोटल दो केस हो गए थे। अभी जो सारी चीजें हुई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी और कौन कौन इन्वॉल्व था, इसके लिए एक इंक्वायरी बैठती है और एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था लिब्रान अयोध्या कमीशन। ये कमीशन अपनी पूरी इंक्वायरी करता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। पूरी जांच होने के बाद उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि जो पूरा एक्ट था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था बल्कि एक प्लान्ड तरीके से किया गया था। इसमें कई सारे वीएचपी और बीजेपी के लीडर का नाम था, कई सारे कर सेवक थे उनका नाम था, लेकिन 2020 आते आते स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि ये प्री प्लान्ड नहीं था और लीडर्स को छोड़ दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद आरएसएस और वीएचपी पे बैन भी लगता है और बीजेपी भी जिन जिन स्टेट्स में सरकार बनाई थी उसने उसको डिसमिस कर दिया जाता है और फिर आगे चल के जो बैन था वो हट जाता है। अब 6th ऑफ दिसंबर 1992 में जो ये सारी चीजें हुई थी इसको लेके पूरे इंडिया में एक अनरेस्ट था और अब सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आती है और इसके अगले महीने 25th ऑफ जनवरी 1993 को एक एक्ट लेके आती है, अयोध्या एक्ट ऑफ 1993। इसमें क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो 67.7 एकड़, इसमें से ये 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड जो होता है, इस 2.77 एकड़ में भी 0.313 एकड़ जो है वो एक्चुअल डिस्प्यूटेड एरिया माना जाता है जहां पे मूर्ति रखी गई थी। तो इस 2.77 एकड़ के एरिया को छोड़ के बाकी का एरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया और जब ये एरिया अपने अंडर में लिया तो इसमें दुकानें, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ये सारे घर वगैरह जो थे, जैसे अतिक्रमण होता है जब हाईवे वगैरह पास होता है तो उनको गवर्नमेंट रेट के जो पैसे दे दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही किया गया। तो ये जो जगह थी ये पूरी तरीके से खाली करा दी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे एरिया को अपने पास ले लेती है। ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वीएचपी और वक्फ बोर्ड इस एरिया के अंदर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। वो विवादित एरिया जो था उसके आसपास की जमीनें खरीद के अपने नाम कर रहे थे और लोग डोनेशन देके इसमें हेल्प कर रहे थे। तो इसके बाद ये जो पूरा एरिया ग्रीन वाला है ये गवर्नमेंट के पास आ जाता है, लेकिन 2.77 ये वाला जो डिस्प्यूटेड एरिया था इस पे अभी कोर्ट को फैसला लेना था, कोर्ट जिसको बोलती ये पर्टिकुलर एरिया उसको मिलता। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक चीज और करती है कि जितने भी केस चल रहे थे इस विवादित ढांचे से रिलेटेड इन सबको रद्द कर देती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके खिलाफ लोग कोर्ट चले गए थे, उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 2 साल ये केस चलता है और जितने भी केस रद्द किए गए थे इनको दोबारा से स्टार्ट किया जाता है। तो जहां पे सारे लोग पहले खड़े थे वहीं पे आके दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो अब इसके बाद ये था कि इसका जो फैसला है वो होना कोर्ट से ही है। तो 2003 में हाई कोर्ट में केस स्टार्ट होता है और सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बुलाई जाती है कि अब जो साइंटिफिक तरीके हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको ढूंढा जाने लगता है। तो 12th ऑफ मार्च 2003 को एएसआई की टीम सर्वे स्टार्ट करती है। पहले जीपीआर सर्वे किया जाता है, मतलब कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, इसमें बिना कोई गड्ढा खोदे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो भेजी जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि जमीन के अंदर कुछ है कि नहीं और उसके हिसाब से खुदाई होती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से अगर सर्वे स्टार्ट हो गया तो सारी की सारी जमीन खोद दी जाती है। तो पहले जीपीआर सर्वे किया गया था, उसके बाद जहां जहां इमेजेस आई थी वहां पे 6 महीने तक खुदाई चलती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए 2 जुडिशियल ऑफिसर्स को रखा जाता है, जितने टाइम सर्वे होता है पूरे टाइम वो लोग वहीं रहते हैं और एक क्लियर इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि जीपीआर में भले ही कुछ भी आए लेकिन किसी भी कीमत पे गर्भगृह वाला जो एरिया था जहां पे रामलला विराजमान थे उसको नहीं छेड़ना है, वहां पे खुदाई नहीं करनी है। अब इसके बाद एएसआई की रिपोर्ट आती है, तो पहली चीज इस रिपोर्ट में ये बताई जाती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर मिला है लेकिन वो इस्लामिक नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये बोली जाती है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिससे ये लगता है कि पहले यहां पे कोई प्राचीन मंदिर रहा हो। और तीसरी चीज एएसआई ये बोलती है कि हम ये तो कंफर्म नहीं कर सकते कि जो बाबरी मस्जिद बनाई गई है वो राम मंदिर को तोड़ के ही बनाई गई है कि नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद को खाली जमीन पे नहीं बनाया गया था। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं पे विवादित जमीन जो थी वहीं लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। 5th ऑफ जुलाई 2005 को टेम्परेरी जो मंदिर बनाया था उस पे ये लोग अटैक करने का ट्राई करते हैं, इसमें एक सिविलियन की जान चली जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सीआरपीएफ इन 5 आतंकियों को मार देती है। अब इसके बाद 2010 में ये सारे प्रूफ देखे जाते हैं, दोनों ग्रुप्स अपनी अपनी दलीलें देते हैं और 2010 में हाई कोर्ट सारी चीजें देखने के बाद अपना फैसला सुनाता है। इस जजमेंट में कोर्ट कहता है कि हाँ उस जगह पे रामलला का जन्म हुआ था और बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली है। दूसरी चीज हाई कोर्ट 2.77 जो डिस्प्यूटेड लैंड था उसको 3 पार्ट में बांट देती है और सेंट्रल एरिया जो था वो राम जन्मभूमि न्यास यानी खुद राम भगवान को दिया जाता है, दूसरे हिस्से में राम चबूतरा और जो सीता रसोई थी वो निर्मोही अखाड़ों को दिया जाता है,
और तीसरा जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। अभी डिसीजन तो आ जाता है लेकिन इस डिसीजन से कोई भी जो पार्टी थी वो खुश नहीं थी और इसकी वजह से 2011 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो शुरू के 6 साल तो इस पर सुनवाई नहीं की जाती है। फिर अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्टार्ट होती है जिसको ये 5 जज देखते हैं। सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला ये सही नहीं है तो वो इस पर स्टे लगा देता है और फिर सुप्रीम कोर्ट सारी चीजें देख के अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4 चीजों पर बेस्ड था। पहला ASI की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट मानी जिसमें यह निकल के आया था कि मस्जिद से पहले वहां पे नॉन इस्लामिक ढांचा था तो इससे सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो मेन क्लेम था कि मस्जिद खाली जमीन पे बनाई गई थी वो वीक हो गया था। दूसरा था इंग्लिश ट्रैवलर्स, जो शुरू में हमने डिस्कस किए थे कि अंग्रेज आए थे तो उन्होंने ट्रैवल नोट्स बनाए थे जो कि कोर्ट के अंदर एक रिटन प्रूफ की तरह उन्होंने काम किया जिसमें किस तरीके से पूजा होती थी, राम के बारे में क्या क्या बात हुई थी, वो सारी चीजें थी। तीसरा था एडवर्स पोजीशन, हिंदुओं ने विवादित जो जगह थी वहां पे कभी भी पूजा करना रोका ही नहीं और कोर्ट के अंदर पोजीशन जो होता है वो किंग होता है। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो मिट्टी के ऊपर भी पुजारियों ने पूजा की लेकिन पूजा को रोका नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो थे वो ईयर 1934 हो या फिर 1949 के बाद से वो वहां पे नमाज पढ़ने गई नहीं। चौथी चीज थी क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, जैसे कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 1029 पे भी पढ़ना आप, उसमें जज विटनेस परमहंस राज से कहते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि जो सेंटर एरिया है जहां पे आप कह रहे हो कि रामलला का जन्म हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पता कुछ हाथ साइड में यानी कि लेफ्ट में या फिर कुछ हाथ राइट में वहां पे जन्म हुआ हो। तो वो कहते हैं कि एक उंगली भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट जो मस्जिद थी उसका जो सेंट्रल डोम है उसके अंदर गर्भगृह है जहां पे रामलला विराजमान है एग्जैक्ट वहीं पे है और इसमें 1% भी डाउट नहीं है। तो जितने भी पुजारी आए कोई भी अपनी बात से हिला नहीं। तो ये सारी चीजें देख के 9th ऑफ नवंबर 2019 को फैसला आता है 2.77 लैंड पूरा का पूरा रामलला विराजमान यानी के राम भगवान को दे दिया जाता है, ना तो निर्मोही अखाड़ा को ना ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, पूरा का पूरा रामलला विराजमान को जाता है। एक तरह से राम भगवान को ही जमीन दे दी गई थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था उसको 5 एकड़ जमीन, डिस्प्यूटेड लैंड जो था उससे 25 किलोमीटर दूर एक धानीपुर विलेज है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में वहां पे दे दी जाती है। निर्मोही अखाड़ा जो इतने सालों से केस लड़ रहा था उसको कुछ नहीं मिलता है। अब आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि रामलला विराजमान जो है उनको पूरा एरिया मिल गया लेकिन उसको मैनेज कौन करेगा, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन का काम होगा वो कौन कराएगा। तो इसके लिए ये जो 2.77 एकड़ एरिया है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, पूरे 67.7 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं। तो इस 2.77 एकड़ डिस्प्यूटेड लैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ जिसमें यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इसको 15 मेंबर मैनेज करेंगे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ट्रस्ट में एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का भी रखना होगा। तो इन 15 लोगों में एक निर्मोही अखाड़ा के मेंबर थे, बाकी के जो लोग थे वो स्पिरिचुअल लीडर, गवर्नमेंट के जो अपॉइंटीज होते हैं ये सब थे। तो अभी राम मंदिर का जितना भी काम देखा जा रहा है वो सारा का सारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो करवा रहा है और ये जो बाकी का ये जो ग्रीन एरिया है इसके डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, इसको धार्मिक स्थल की तरह डेवलप किया जाएगा। जैसे वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक वैसे ही किया जाएगा। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक चीज और हुई थी, तो जब ऐसे जजमेंट दिए जाते हैं तो उसमें हमेशा एक ऑथर होता है यानी कि जिसने सारे जजेस के एस्पेक्ट्स और ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए जजमेंट लिखाया है। लेकिन राम मंदिर जजमेंट में ऑथर का नाम कभी डिस्क्लोज ही नहीं किया गया। अगर आप जजमेंट के आखिरी में देखोगे एक एडेंडम है जिसका फॉन्ट भी अलग है जिसमें 5 में से 1 जज ने मेजोरिटी डिसीजन को मानते हुए अपनी एकदम अलग रीजनिंग दी है जिसे लीगल भाषा में कॉन्करिंग जजमेंट बोलते हैं और उसमें यह लिखा है कि डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर भगवान राम मंदिर का है हिंदू बिलीव्स के हिसाब से। अभी करंट की बात करें तो 5th ऑफ अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन और भूमि पूजन करवाया था और अब 2024 में यानी कि इसी 22 जनवरी को यहां पे रामलला विराजमान होंगे। फिलहाल अभी टोटल 3 फ्लोर में से ग्राउंड फ्लोर रेडी हुआ है, बाकी सेकंड फ्लोर जो है और जो थर्ड फ्लोर है अभी उस पर काम चल रहा है। कहा जा रहा है कि जो पूरा मंदिर है वो दिसंबर 2024 में पूरा हो जाए। एक्शन कमेटी जो थी वो कोई कोर्ट में जाके प्रेजेंट
तो जी दोस्तों वीडियो की ख़त्म। वीडियो तो काफ़ी लंबी थी यार, काफ़ी लंबी। जारी बात है, अब कुछ बातें तो भूल गई हैं क्योंकि अब उनको लाइक साथ। तो जिस तरह नीतीश भाई ने तो पूरी जजमेंट जो है, उन्होंने पहले वीडियो के शुरू में भी बताया कि ये पूरे का पूरा ये मेरी वीडियो है, ये उस जजमेंट पर है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली, जो मतलब जब से चली आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इशू, तब से वो कहते हैं जितनी जजमेंट्स हैं उन पर मेरी पूरी की पूरी वीडियोज है, उससे मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो इस पर दो तीन चीज़ें, फॉर्चुनेटली आज ही मैं, बल्कि आज ही वीडियो, जारी बात है आज राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ, तो आज ही बीबीसी उर्दू जाकर चेक कर, मेरे पास स्क्रीन शॉट भी, मैं वो भी सेंड करूंगा आपको। तो जब मैं वो पूरी जारी बात, उनके साथ उनका लिंक भी था बीबीसी उर्दू की, आज की जो एक लिंक भी उन्होंने दिया हुआ था और साथ में उन्होंने आर्टिकल लिखे हुए थे छोटे छोटे, 5-10 पिक्स थी मेरे पास जो उन्होंने दी हैं, उन पर बीबीसी उर्दू की मैंने आज रिपोर्ट में पढ़ा, फिर मैंने डिटेल के साथ पढ़ी बीबीसी उर्दू, ये सारी बातें उसमें लिखी हैं। लेकिन ये जो जोसेफ की, नीतीश भाई कह रहे हैं ना कि जोसेफ जो इधर आया था, मतलब ट्रैवलर जो था उसके नोट्स थे, उसने नोट्स लिखे हुए थे, उस नोट्स के अंदर ये माना गया है, वो लिखा गया उसकी बुक्स के अंदर, उसके नोट्स के अंदर कि यहाँ लोग इस तरह पूजा करते थे या मंदिर था, ये सारी चीज़ें नोट्स का वाला, एंड की जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया ना उसमें भी उन नोट्स का जिक्र आया है, क्योंकि सारी बात नीतीश भाई भी उन नोट्स की जिक्र कर रहे हैं। तो वो वाले नोट्स जो हैं जो जिनका वाला नीतीश भाई दे रहे हैं, लेकिन बीबीसी उर्दू की आज ही मैं, आज ही आर्टिकल मैंने पूरा पढ़ा, उसके अंदर ये कहा गया। मैं शौक इसलिए हो गया था क्योंकि पहला जो स्क्रीनशॉट था ना उनका, वो यही था कि वो जो जो राम मंदिर है, जहाँ आज हिंदुओं के लिए राम मंदिर बनाया गया है या हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर, वहाँ राम मंदिर पहले था ही नहीं, कोई आसार ही नहीं मिले, तो इसलिए मैं शॉक्ड हो गया था। तो फिर मैंने पूरी डिटेल के साथ वो पढ़ा जो ये जजमेंट, या सारी बात नीतीश राजपूत तो भाई पहले बता चुके हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाहर नहीं जाऊंगा। तो हालांकि उन्होंने साथ में हवाले भी दिए, सबूत भी दिए, सारा कुछ दिया, लेटर्स भी, हालांकि जो हाथ से लिखे लेटर्स हैं उनके भी सबूत दिए। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया उस वक्त, बीबीसी उर्दू है, अब बीबीसी जारी बात है, हो सकता है झूठ भी बोलता, हाँ वो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता यार, इतना बड़ा इदारा है, बहुत से कंट्री में उस पर सवाल उठ जाएंगे, सवाल उठ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि बाबर आया था ये तो हमें पता है, वो अफगानिस्तान से आए थे और यहाँ पर आकर हिंदुस्तान में कब्जा उसने किया था, क्योंकि ये इधर के तो थे नहीं, ये तो ऊपर से ही आए थे, ताजिकिस्तान अफगानिस्तान इधर से आए थे ये मुगल, तो ये भी हमें पता है, उन्होंने बहुत से मंदिर जो है ना वो गिराए थे और मस्जिद यहाँ पर बनाए, अपनी इबादतगाह बनाई थी, तो इसका भी देखने के लगता है, अब कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो है ना ये राम मंदिर जिस जगह पर उसने आकर ना यहाँ के जो लोग थे ना, यहाँ पर मुस्लिम और जो दूसरे थे ना हिंदू, उनके दरमियान एक फसाद बना दिया, अगर वो मस्जिद बनाना चाहता था तो उससे अलहदा बना देता, उसको मंदिर गिराने की जरूरत ही क्यों थी, उसने बहुत जो है ना ये किया है, बहुत बुरा किया, मस्जिद अलग बना देता तो ठीक। अच्छा वो जो राम मंदिर, राम की मूर्ति रखी गई थी मस्जिद के गुंबद के बिल्कुल अंदर, वो किस तरह हो सकता है कि वो कहते हैं कि अब इसके बारे में क्या हकीकत है कि वहाँ राम का दोबारा मतलब वजूद आ गया, ये चीज़ मेरे अकल में नहीं आई फिजिक, क्योंकि अगर अक्सर आलोक सर की बात करूँ, प्रशांत सर की बात करूँ, खान सर की बात करूँ, इस तरह के जो बड़े लोग पढ़े लिखे हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते। मैं ये सिर्फ सिंपली सवाल कर रहा हूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा कि वहाँ पर जो राम की मूर्ति आई थी मस्जिद के अंदर, वो कैसे आई, वो कैसे जन्म हो सकता है दोबारा मूर्ति का, जारी बात है मूर्ति जारी बात है वो या तो लकड़ की बनी होगी या फिर पत्थर की बनी होगी, तो फिर वो कैसे प्रवेश हुए, वो जो वो नसीब भाई भी कह रहे हैं कि वहाँ प्रवेश हो गए, वहाँ मूर्ति निकल आई, तो ये कैसे हो सकता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन किस तरह हो सकता है, ये तो भाई बता सकते हैं किस तरह है, वो तो आपको असल मसला पता है कब शुरू, वहीं से असल मसला शुरू हुआ, जब वो राम मंदिर राम की मूर्ति निकली है ना, तब से ये वाला मसला ज्यादा आग पकड़ गया, मिल गया कि भाई यार जितने भी वीडियोस देखी हैं, जितने भी कह रहे हैं कि न्यूज सुनी है ना राम मंदिर के बारे में,
ये तो कन्फर्म है भाई कि जो मोस्टली वीडियोज हैं, न्यूज हैं, वो ये बताती हैं कि वहां पे पहले राम मंदिर था। हाँ, इंडिया के जितने भी चलते हैं तो राम मंदिर को वहां पे गिरा के वहां पे मस्जिद तमीर की गई। और तकरीबन 500-550 साल ये इशू चलने के बाद आज जो वो उन्होंने दोबारा राम मंदिर जो है वो बिल्ड किया है और आज उसका उद्घाटन हो गया। तो ये भाई पहले तो लाजमी बात है कि वहां पर राम मंदिर था, उसके बाद मस्जिद बनाई गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ जो है ना भड़काने के लिए ये बात की गई और ये किया गया सारा कुछ। जहाँ ये इतना ज्यादा इशू बड़ा के इतना लंबा, मैं कहता हूँ शायद ही कोई इंडिया की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई ऐसा फिर सब ने भाई स्पेशली कांग्रेस ने टोटली इस पर पॉलिटिशियन की है टोटली। पहले बानो का वो अपना नितीश भाई भी बताता है बानो के केस में पहले ताले लगवा दिए, फिर खुलवा दिए, फिर बानो के केस में गलत फैसला उनसे हो गया राजीव गांधी से, फिर वही ताले खुलवाए ताकि हिंदुस्तान वाला जो हिंदुओं वाला वोट बैंक है वो भी हासिल किया जा सके। अच्छा, मतलब कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, पकी रही है पकी खिचड़ी। क्योंकि एक तरफ तो मुसलमान होते थे, दूसरी तरफ ये हिंदू होते थे, तो वो अपनी जो इबादत कार्य होते थे ये अपनी पूजा पाठ कार्य होते, तो खलल होता था वहां पे। क्योंकि ये मेरे ख्याल में इस तरह चलना नामुमकिन था, ये जो इशू क्रिएट हुए बड़े तो ये बढ़ता था भाई। ये ब्रिटिश ने भी जो फैसला किया था डिवीजन का, भी उसके आधा दुख दे दो आधा गलत की इस मतलब दे रहा है सब नहीं हो सकता कोई भी हाल जो है ना वो निकल नहीं रहा था। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि शायद ये मसले का हल हो सकता है कि दोनों इबादत कर लेंगे और लेकिन दोनों नाखुश थे, दोनों पार्टी नाखुश। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता यार, एक ही जगह पर दोनों कभी इस तरह नहीं कर सकते इबादत है, क्यों खलल होता है। उन्होंने अपनी बात वो कह रहा था कि अजान होती थी और उधर से मंदिर जो हिंदू है लोग वो भी अपनी जो है ना पूजा जो उधर शुरू करते थे, तो दोनों के दरमियान जो है ना खलल पैदा होता था। तो इससे बड़ी जो है ना उनके दरमियान इस वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किस अच्छा इधर एक और सवाल है, एक काल मुस्लिम ने बड़ा अच्छा सवाल, मुझे उसका सवाल बड़ा पसंद आया। उसने कहा कि हजारों मस्जिद और भी होंगी इंडिया में, हजारों की तादाद में और भी मंदिर होंगे इंडिया में, सब अपने ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, हम भी मस्जिदों में नहीं जाते, हमारी मस्जिदें भी वीरान पड़ी हैं। तो ऑब्वियसली ये भी मैं दावे से कह सकता हूँ जो अब ट्रेंड चल गया दुनिया के अंदर, मंदिर भी वीरान ही होंगे, ज्यादा चले होते होंगे लोग लेकिन उस स्ट्रेंथ के साथ उस तादाद के साथ नहीं होते होंगे। तो सिर्फ इस एक ही जगह को स्पेसिफिक करके इतना लड़ाई झगड़ा क्यों? असल में बता बात यार, उन्होंने ये पहले भी वीडियो हमने देखी थी उसमें ये बताया है कि ये उनकी जन्मभूमि है राम की, तो ये मेरे ख्याल में दूसरे जो मंदिर है ना उनसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंस यार। बाकी सारी चीजें ठीक है, दो तीन सवाल मेरे जो मेरे अकल में नहीं आ रहे भाई मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन करना फर्ज बनता है। ये जो राम दोबारा प्रवेश किए कहते हैं दोबारा मतलब उनका जन्म उधर हुआ या कहीं से मतलब उधर जहाँ मस्जिद का गुंबद था या मिंबर था वहाँ पर मूर्ति आ गए, वो कहाँ से आ गई पहली बात है। हाँ अगर वाकई आपके हाँ ये चीज़ कंसेप्ट आया कि वो वाकई उधर से निकले हैं तो इस वजह से सारी पूरे कंट्री के या पूरे मुल्क से जो ना इश्यूज वहां से आग पकड़ी, वहां से पहले इतनी आग नहीं थी जितनी उस मसले के बाद। सारी सी बात है भाई, जब मस्जिद में मूर्ति होगी तो मुसलमानों में भी भड़केगी आग और जो वो उसके खिलाफ जाएंगे हिंदुओं के मूर्ति के खिलाफ तो जाएंगे। लेकिन एक चीज और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जारी बात है, जजेस ने जो फैसला देना होता है वो एविडेंस की बुनियाद पर देना होता है, उन्होंने कोई नहीं ये देखना होता कि यार ये मुस्लिम है ये नॉन मुस्लिम है ये हिंदू है ये सिख है, जो एविडेंस उसको मिले पहली बात। ये जो मुस्लिम की तरफ से पिटीशन दायर करने वाले ये वकील थे उन्होंने जो दलाल दिए वो खुद ही उन दलाल में फंस गए, ठीक है ना। दूसरा जो दलील उन्होंने सबूत माना वो नीतीश एंड पर बता भी रहा था कि उन्होंने तीन चार चीज़ों को बुनियाद बनाया, एक वो नोट्स जो जोसेफ की बात कर रहा था उसको बुनियाद बनाया, उसने ये जिक्र किया है कि यहाँ पहले मंदिर था जहाँ लोग मतलब करते थे इबादत, फिर जो है वो मतलब के उसको क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया जो इनके दलाल सुनेगा, फिर जो है उधर की अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि ये मंदिर मस्जिद मंदिर के ऊपर ही बनाई गई है, इसके सबूत मिले हैं क्योंकि जो साथ में जमीन थी वो बिल्डिंग बनाने के काबिल भी नहीं थी। ये वाले भी सवाल मेरे से यार ये वाकई
और अभी ये भी सुना है कि जो अभी मंदिर जो इस वक्त बना है वो जहाँ पर मस्जिद थी ना उससे कोई थोड़ी मतलब नहीं झूठ है वो, मुझे कमेंट्स में भाई ने बताया, वो कहते हैं बिल्कुल सरासर ये झूठ है। वो लोग यकूब ने ये क्वेश्चन किया था, उन्होंने कहा जहाँ मस्जिद थी वही मंदिर बनाया गया। यार ये अच्छा एक बात यहाँ पर मैं करना चाहूँ, अगर यार वहां पे उन्होंने मंदिर ना बनाना होता तो हो सकता वो जगह जो है मुसलमानों को एलोकेट कर देते, उनको दे देते, भाई ये जो इशू ही ना चलता। लेकिन ना आज इस दिन ना वहां पर हिंदू मजारी बात यार मुस्लिम है जो भी है उनकी इबादत गए, उनके दिल में भी ना मतलब अफसोस होगा, गुस्सा होगा कि यार हमारी इबादत गए। चले पहले बाबर ने आकर बहुत बुरा किया था कि आपके मंदिर को गिरा दिया था मस्जिद, अगर ऐसा है तो बिल्कुल तो, और आपने भी देख लें कि वहां पर अभी मस्जिद गिरा दी और अब मंदिर बना दिया है, तो वहां पर भी मुस्लिम के दरमियान और मेरे ख्याल में जो जिस तरह पहले तलकात थे ना अभी इस तरह नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है। चले जी नीचे कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा किसी के पास, इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर भी, उससे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये दो चार ऐसे सवाल है, एक तो वो समझ में भी नहीं आ रहा है, तो वो मूर्तियां कहाँ से आई, कैसे उसमें प्रेम, उसकी बुनियाद पर फिर ये कैसे तगड़ा हो गया केस के भाई वाकई ये वही जगह है जहाँ से राम निकल आया है, तो ये चीज़ें मेरी अकल में नहीं आई। मिलता है नई वीडियो में नेट के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।